हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, शाम का पूजा कर लिया। आज मैं ब्लॉग अपना शाम को शुरू कर रही हूँ और हैप्पी अष्टमी आप सभी को, नवरात्रि का अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सभी को। तो मैं जा रही हूँ दर्शन करने चौकियाँ, माता शीतला चौकियाँ। बहुत लोग, बहुत फेमस है जौनपुर का चौकियाँ धाम। तो आज मैं वहीं जा रही हूँ, दर्शन करने चल रही है। आप लोगों से भी मिलवाती हूँ माता रानी से और दर्शन कराती हूँ वहाँ का। तो अंदर तो अलाउ नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ चौकियाँ धाम, और यहाँ देखिए मंदिर के सामने जस्ट ये हैं। तो यहीं से माला फूल ले रहे हैं। तो माला फूल ये देखिए सामने एकदम जस्ट मंदिर है, यहीं से मैं इनकी दुकान से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो अब हम लोग क्या है कि अब मंदिर में जा रहे हैं। ये मंदिर जाने का रास्ता है फ्रेंड्स, और देखिए कितना बड़ा मेला लगा रहता है। जैसे दुकानें किनारे किनारे दुकानें हैं, ये देखिए मंदिर के जस्ट सामने का है व्यू। तो यहाँ मैं और ये थे, बच्चे नहीं आए थे यहाँ। तो ये देखिए जस्ट मंदिर के सामने का व्यू है। अंदर अलाउ नहीं है, पुलिस लोग थी। तो मैं बाहर से ही आप लोगों से दर्शन करवा दे रही हूँ माता रानी का। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू है फ्रेंड्स। चौकियाँ धाम बहुत लोग सुने होंगे, जौनपुर का फेमस मंदिर है चौकियाँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। माता रानी के मंदिर में आ जाओ तो अच्छा ही लगता है। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए, मंदिर के किनारे एक नदी है, वहाँ का व्यू मैं थोड़ा सा ली थी। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तालाब है, सॉरी तालाब है ये, नदी मैं बोल दी हूँ। तो यहाँ देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी हुई है, और तालाब के किनारे भी एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ का भी लाइटिंग बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा ली थी, वीडियो बनाई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था शाम के टाइम। दिन में इतना अच्छा नहीं लगता जितना शाम के टाइम। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम निकल चुके हैं मंदिर से, दर्शन हो गया है हमारा। अंदर का नहीं दिखा पाए थे क्योंकि वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। तो अब हम लोग मंदिर से निकल गए हैं फ्रेंड्स, और ये आगे हैं, मैं पीछे हूँ। थोड़ा सा आपको दिखाते चल रही हूँ इधर का नज़ारा, मंदिर के किनारे किनारे देखिए सब सामान की दुकानें लगाए के रखे रहते लगा के, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी फ्रेंड्स। मतलब कि आराम से सबका दर्शन हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। माता के एकदम पैर छूने का मौका मिला इस बार, बहुत अच्छे से दर्शन हुई। पुलिस की व्यवस्था थी तो बहुत अच्छे से लोग किए थे। तो यहाँ फ्रेंड्स अब मैं निकल गई हूँ मंदिर से, और ये देखिए मंदिर के बाहर का व्यू है। तो बहुत दूर तक ये रास्ता, मतलब कि मंदिर के बाहर तक ही मेला लगा रहता है। दुकानें बड़ी बड़ी सब लगा के रखे रहते हैं मंदिर के किनारे किनारे, यहाँ देखिए। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए, टूरिस्ट बसें सब खड़ी हैं, टूर वाले सब बस जब रहती हैं वही खड़ी है। ये है चौकिया धाम का मेन गेट, यहीं से मेन एंट्री होती है, और जस्ट इसके सामने हनुमान जी का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। देखिए मतलब गेट के, शीतला माँ के गेट के सामने हनुमान जी का मंदिर, और हम लोग अब बाहर आ गए हैं गेट के बाहर। और यहाँ रास्ते में देखिए कुछ झांकियाँ, मतलब पंडाल बने हुए हैं, और देखिए कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। लाइटिंग एकदम बहुत सुंदर लग रही थी इस टाइम का व्यू। तो फिर बहुत जगह मैं शूट भी नहीं कर पाई, और जो शूट भी की हूँ एडिट नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैहर माता का दर्शन करने से, माँ शारदे माता का दर्शन करने। मैं इस मंदिर का कई बार आपको अपने वीडियो में ला के दिखाई हूँ, लेकिन दिन में दिखाए थे तो शाम के टाइम में नहीं दिखाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो शाम का भी व्यू कुछ दिखा देते हैं आप लोगों को। और यहाँ हम लोग दर्शन कर रहे हैं सारे, माता रानी का दर्शन करने के बाद सारे भगवान का दर्शन कर ले रहे हैं। और यहाँ देखिए कितना अच्छा मंदिर है, कितनी शांति है यहाँ, मतलब कि कोई टेंशन नहीं है। आराम से आप आइए और दर्शन करिए, और जो चढ़ाने का मन हो आप चढ़ाइए, कोई तिकझिक नहीं है। और यहाँ देखिए कुछ इस टाइप के व्यू हैं शाम के टाइम मंदिर का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब मंदिर में आने के बाद एकदम मन जो है खुश हो जाता है, यहाँ बहुत सुंदर लगता है शारदा माँ का मंदिर, मैहर माता का। ये फ्रेंड्स हमारे घर से कुछ ही दूर पर हैं, तो यहाँ बच्चे भी आ गए थे, ये गए थे हमको छोड़ के, फिर गए बच्चों को ले कर चले आए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ माता रानी का दर्शन करा रही हूँ आप सभी को। तो देखिए जैसे लग रहा है कि कोई पार्क हो, इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स,
पंडाल में अब दर्शन करके अब हम लोग पंडाल घूम ले रहे हैं थोड़ा सा। तो मैं आ गई हूँ जो हमारे यहाँ का जो हमारे जौनपुर का ओलनगंज एरिया है तो वहाँ का पंडाल लगा है ये, तो बहुत ही बड़ा पंडाल था और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो कूपन लेके सबको डायरेक्ट अंदर, तो हम लोग कूपन लेके डायरेक्ट अंदर आ गए थे। तो यहाँ देखिए ऐसे हैं यहाँ की मूर्तियाँ, तो आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए पंडाल का ओलनगंज जो फल वाली गली का पंडाल था तो वहाँ का है ये पंडाल। और यहाँ प्रसाद के रूप में दो दो चूड़ियाँ सबको दे रहे थे हर सुहागन औरतों को, तो यहाँ मुझे भी मिला है चूड़ी, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने इसको हाथ में डाल दिया और हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। और यहाँ हमारे देखिए ओलनगंज की मार्केट का कुछ व्यू है, आप लोगों को मैं दिखाते हुए चल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात का व्यू। तो इस टाइम बज रहे हैं 7:30 हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी देखिए कितना जैसे। और ये है फेमस शॉप बेनीराम की शॉप, बेनीराम मिठाई वाला। और हम लोग आ गए हैं दूसरे पंडाल पे फ्रेंड्स, ये देखिए। और यहाँ से देखिए एंट्री होती है और काफ़ी लंबे मतलब बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है। तो सभी को देखिए कितना लंबा लाइन लगा है, तो सब पैदल ही जा रहे हैं। तो मैं तो एकदम थक गई थी, पैर दर्द होने लगा था चलते चलते। और देखिए मतलब बहुत दूर तक आपको मैं दिखाते हुए चल रही हूँ, पूरा वीडियो शूट करने लगूँगी तो पहुँचने में ही आधा घंटा लग गया था। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिए थे और ये थे आगे, मैं नमन प्रियम पीछे थे। तो बल्कि बच्चे मुझे डांट भी रहे थे कि क्या आप हर जगह वीडियो बनाती रहती हैं, फिर भी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो यहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। और ये देखिए कुछ मतलब कि गांव वाले एरिया का पूरा मतलब लुक दिया गया था, मतलब कि घास से पूरा पंडाल बनाया गया था। और ग्रामीण एरिया का जो भी था यहाँ झांकियाँ जो लगी थी पूरा मतलब कि ग्राम निवासी लोगों का झांकी पूरा लगा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए अब ये पंडाल के अंदर का जाने वाला है, ये कुटिया है उसका बनाया हुआ गया था जैसे जैसे। और तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग अपने कॉलोनी में आ गए हैं और नम प्रियम और प्रियम के पापा पीछे थे बाइक से, वो लोग मतलब कि कुछ सामान लेने लगे। और देखिए अभी कितना सन्नाटा हो गया है, अभी रात को बज रहे 8:45 हो रहे हैं। और मैं और नमन रोड पे अकेले कॉलोनी में हैं, बाहर सामने एक और लड़का था तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है कॉलोनी के अंदर, जैसे लग रहा है कि एकदम सन्नाटा हो गया है इधर के एरिया में। ये आगे है हमारा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ और बज रहा है 9:00, हो गया है रात 9 बज गए हैं, बहुत लेट हो रहा है फ्रेंड्स। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग भी इंजॉय किए होंगे हमारे साथ। और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, ढेर सारे शुभकामनाएँ माता रानी आप सबको, हमारे हम लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए जाएँ बनाते जाएँ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ किसी और नए वीडियो पे, किसी और नए टॉपिक पे। चलूँ मैं फटाफट पहले अपना काम निपटा लूँ क्योंकि पूरा काम अभी पड़ा हुआ है, अभी फलाहारी भी बनाना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एंड करती हूँ अपने ब्लॉग को। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।